ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये वीडियो बॉयज़ के लिए है। अभी क्या हुआ ना, रिसेंटली कुछ टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी डार्क साइड ऑफ गर्लफ्रेंड्स करके, तो उस पर एक बंदे ने देखी होगी तो वो थोड़ा ऑफेंड हो गया, उसकी बंदी होगी ना तो उसने उसको दिखाई होगी, तो उसने पता नहीं क्या क्या बोला होगा। फिर उसने मेरे को आके बोला कि भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, कोर्ट कचहरी भी की भी तो नाम चीज की चीज़ होती है, और पुलिस ऐसी थोड़ी ना पागल है, किसी को फंसा देगी, ये करेगी, इन्वेस्टिगेशन करती होगी, तब जाके कोई ऐसा करता होगा, तो ऐसे करके बोला। तो मैंने सोचा यार पीपल ऑफ माई एज आर बहुत ज़्यादा भोले भाले, कितने भोले भोले हो तुम्हें, है ना, कितने भोले हो तुम। मुझे ऐसा लगता है तुम नहाते भी कपड़े पहन के होगे कि भाई पानी ना देख ले हमें। तो यार देखो, अब थोड़ा मजाक से हटके मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, उसका वैसे रिप्लाई है। अब तुम इस वीडियो को तुम अच्छे से देखना, बॉयज़ के लिए, ठीक है। देखो लेट्स स्टार्ट इट। जो पुलिस है ना, पुलिस पता कहाँ आती है, स्टेट लिस्ट है पुलिस का जो वो है ना, अगर मान लो तुम लिस्ट देखोगे ना, कौन सी लिस्ट में आती है, हमारी ना तीन लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरंट लिस्ट, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों लो बना सकती है। जो पुलिस है ना वो स्टेट के अंदर आती है, स्टेट स्टेट कुछ भी कर सकती है उसमें, ठीक है। और हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं तुम्हें पता है, हर हर स्टेट की पुलिस अलग अलग काम करती है। हर अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, हर स्टेट की जो पुलिस है ना वो अलग अलग काम करती है। तुम्हें क्या लग रहा है, अब जैसे ना एक प्रिंसिपल है ना, एवरीथिंग एवरीवन इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो यार देखो इसकी ना तुम गहराई में जाओ, ये तुमने सुन तो लिया कि एवरीवन इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मान लो कोई अक्यूज्ड है, उस पर रेप केस का चार्ज लगा फेक, उसको क्या करेंगे, जल्दी से पकड़ के अंदर डाल देंगे, फिर ट्रायल चलेगा, मतलब चार्जशीट पेश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट पेश होगी। अगर चार्जशीट पेश नहीं होती तो उसका डिफॉल्ट बेल का वो बन जाता है, कहने का मतलब समझ लो 90 दिन 60 दिन तो वो काट के आया ना, तब जाके बेल मिल रही है, फिर ट्रायल चलेगा, फिर कोर्ट उसको गिल्टी हेल्ड करेगा या नहीं करेगा वो बाद की बात है, और ट्रायल कितने साल चले, कहने का मतलब समझ लो तुम तो लपेट दिए ना, तुम तो लपेटे गए ना, अब कहाँ गई ये वाली बात। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा उसमें मत घुसो कि भाई पुलिस ऐसे कैसे कर देगी, बहुत सारे लड़कों को डाउट रहता है ना भाई बिना उसके कैसे कर देगी, ये कैसे कर देगी। तो तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, लो देखो। उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में विष्णु के 20 साल तक रेप की सजा काटने के बाद हाई कोर्ट ने बताया है कि उसने रेप ही नहीं किया, वो बेकसूर है। 23 साल का था, जवान था जब वो जेल गया था, 43 साल का अधेड़ हो गया है। विष्णु का कहना है कि गांव में किसी से जमीन का झगड़ा हुआ था, उसने किसी लड़की को पैसा देकर उस पर रेप का ये आरोप लगवा दिया। हाई कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी की है, लेकिन कमाल खान हमारे सहयोगी की रिपोर्ट वाकई में कहती है कि जो विष्णु की जिंदगी के 20 साल हैं उसे कोई लौटा नहीं सकता। 23 साल का जवान इस जेल के अंदर गया था, 43 साल का अधेड़ इस जेल से बाहर निकला, अपनी जवानी के कीमती 20 साल कैद में गुजार दिए उस गुनाह के लिए जो उसने कभी किया ना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि सारे सबूतों और गवाहियों की रोशनी में हम मुतमईन हैं। देख लिया, पड़ गई कलेजों को ठंडक। 20 साल का था बंदा, 42 साल में छूटा जाके, मतलब ऐसे कुछ। अब देखो भाई सब कुछ कर सकती है पुलिस, कोर्ट भी उस टाइम होता ना भाई, जैसे हो सकते हैं यार ऐसे गिले शिकवे हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम पुलिस पे, ठीक है। तो यार देखो पुलिस है ना वो ना क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, अंदर की बातें बताता हूँ। वो पुलिस जो काम करती है ना वो रस्सी को सांप बनाने का काम करती है। तुमने देखा होगा बहुत बार, क्या होगा ना मर्डर हो जाएगा, मैंने देखा है बहुत बार ऐसे देखा है केसेस, मर्डर हो जाएगा, वहाँ FIR नहीं होती, FIR नहीं करती पुलिस, समझौते के लिए वो बनाती है कि भाई तुम समझौता कर लो, ये कर लो, कहाँ कोई छोटी सी चोरी हो गई वहाँ FIR करके अंदर डाल देती है, समझ रहे हो कहने का मतलब, समझ रहे हो। अभी तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। अभी क्या हुआ ना, किसी का रेप केस चल रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, चल रहे हैं बस ऐसे ही चल रहे हैं। फिर मैंने न्यूज़ में एक वो देखा, एक बंदा था आरोपी, उसने क्या करा रेप केस करके, मतलब रेप करके वो भाग गया दूसरे शहर में कहीं। तो उसने क्या करा, जो बंदा था ना जो एक्यूज था, उसने ना कहीं पेमेंट करी होगी ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट करी होगी अपने फ़ोन से, तो पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया। कहने का मतलब देख रहे हो, हर स्टेट की पुलिस अलग अलग काम कर रही है, अलग अलग काम कर रही है। कोई तो मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर ही उठा रहे हैं बंदों को, कोई रेप हो गया तब भी कोई केस नहीं फाइल कर रही। कहने का मतलब समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि एक जूता सबके पैरों में नहीं है, तो सारी पुलिस अलग अलग है। हालांकि वैसे तो सेम है, पर काम करने का तरीका देखो ना तुम। अभी तुम्हें एक केस और बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बंदे का ना फ़ोन चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी हो गया सॉरी। उसने पुलिस से रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, तो पुलिस करी हाँ हाँ करेंगे काम तेरा करेंगे, तो ऐसे चल रहा है। तो उसका जो छोटा भाई था ना जिसका फ़ोन चोरी हुआ या लैपटॉप चोरी हुआ, उसका जो छोटा भाई था ना उसने क्या करा, एक छोटा सा साइबर क्राइम कर दिया। साइबर क्राइम क्या करा उसने ना, एक आईडी बना ली फेक ट्विटर की, वहाँ का जो भी वो था IG था या DGP था उसके नाम से आईडी बना ली,
और ट्विटर पे वो फॉलोअर बढ़ा के पता नहीं क्या करा, तो उसने ना पोस्ट डाला कि भी 2 दिन के अंदर इस बंदे का फ़ोन मिल जाना चाहिए ऐसे करके। तो पुलिस एक्शन में आ गई, काम कर दिया एकदम। फिर बाद में पता चला भाई वो जो ट्विटर ट्वीट किया था वो अफसर ने तो किया नहीं, वो किसी फेक आईडी से किया था। तो अब देख रहे हो तुम डिफरेंस, देख रहे हो कहाँ तो वो इतना काम कर रही है। जब वो लड़का गया था सच में विक्टिम था तब उसकी हेल्प नहीं करी, कहने का मतलब समझ रहे हो, पुलिस ऐसे ही काम करती है। अब मैं वो नहीं कर रहा, अब वो बना ही ऐसा है। 1860 का जो लॉज है वो अंग्रेजों ने बनाए थे, पुलिस एक्ट है ना 1861 जन्म 60 है, वो देख लेना एक बार। तो ऐसे ही काम करते हैं ना वो, उस टाइम बनाए थे ना, हमें सप्रेस करने के लिए बनाए थे, तो वही चल रहा है। तो तुम देख सकते हो वो चीज़ें ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इतने भोले मत बनो कि होता ना कि भाई अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, भाई होते हैं फेक केसेस होते हैं। पुलिस सिर्फ इतना बोलती है कि तुम इस लड़की को जानते हो, हमने कहा नहीं हम नहीं जानते हैं। कह रहे नहीं, इसने बोला कि तुम्हें रेप, तुम्हारा रेप हुआ है, इसका रेप हुआ है और तुम्हें अब जेल अंदर जाना पड़ेगा, बस उन्होंने हमें यही बोला। हाई कोर्ट के अंदर भी लड़की ने जो अपना बयान दिया उसने खुद बताया कि जी मेरे, मैं इस लड़के को जानती नहीं और मेरे को इन लोगों ने माफिया लोगों ने क्या इसके ऊपर केस लगा दिया। बच्चियों को ये गैंग समाज में चल रहा है जो छोटी छोटी बच्चियों को यूज करते हैं और उनके कहने पे झूठे इल्जाम लोगों पे लगाए जाते हैं और मासूमों को इनमें फंसाया जाता है ताकि उनके संपत्ति, उनके कुछ पैसे को हड़प लिया जाए। पुलिस क्या करती है मैं तुम्हें और बताता हूँ। एक ना धारा 34 होती है हमारे इंडियन, उसमें IPC में उसका बहुत फायदा उठाती है। जैसे मान लो कोई मर्डर हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वहाँ जाएगी तहकीकात करेगी। तो जो इसके घर में मर्डर हुआ है वो बंदों के नाम लिखवाते हैं लड़ाई में कि उसके नाम भी लिखो, इसके नाम भी। तो पुलिस फालतू में पता नहीं किस किस के नाम लिख लेती है। फिर उनको ना हटाने के लिए उनसे पैसे मांगती है। होता है यार, तुम कभी देखना इलीगल प्रैक्टिसेस होती हैं इंडिया में, तो देखना उनसे फिर पैसे मांगती हैं, भाई तेरा नाम हटा देंगे इतने पैसे दे दे, तेरा नाम हटा देंगे इतने पैसे दे दे, ऐसे चलता है। समझ रहे हो कहने का मतलब, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये था, उस वीडियो में मैंने ये बताया था ना कि लड़कियों से थोड़ा वो करो, अपने आप को बचाओ। तो भाई ऐसा होता है, अगर तुम्हें ज़्यादा बिलीव नहीं हो रहा तो किसी दिन जेल में विजिट होके आना। जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जेल होगी ना, वहाँ किसी से मिलने चले जाना, तो वहाँ देखना उनसे बातें सुनना कैसे कैसे अंडर ट्रायल पड़े हैं। अंडर ट्रायल समझते हो, डिसीजन आया नहीं और अंदर पड़ा है, बेल मिली नहीं, अंदर ही पड़े हैं, समझ रहे हो? फिर ना दिक्कत हो जाती है, अगर मान लो एक बार चीज़ प्रोसीजर में आ जाती है ना, मान लो FIR हो गई बंदे के और अरेस्ट हो गया, फिर भाई वो ट्रायल में आ गया, ट्रायल में मतलब वो प्रोसीजर में फंस गया, कहने का मतलब फंस गया वो। अगर उस बंदे का कोई गोल नहीं है लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो उस बंदे का कोई गोल है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, कुछ कर रहा है, तब वो ख़त्म, उसके पेरेंट्स ख़त्म, मतलब अंदर से फाइनेंशियली डिप्रेशन में, और फिर जो बेइज्जती होती है वो अलग ऐसे। तो इसको लेके बनाई थी वो वीडियो, डार्क साइड ऑफ गर्लफ्रेंड। देखो नाम से ही पता चल रहा है डार्क साइड, मैं ये नहीं कह रहा सारी बंदियां ऐसी होती है, लेकिन तुम समझो ना चीज़ों को, समझो ना, हम तुम्हें समझा रहे हैं अच्छे से, तुम पता नहीं यार वो होता ना भाई, जैसे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कौन सी का है। सिर्फ बातों से सबको एक हादसा जरूरी है, जब तुम्हारे साथ या किसी के साथ बीत जाएगी तब समझोगे क्या, तो सीख लो ना। चाणक्य बोलते थे ना, दूसरों की गलतियों से सीखो। अब जरूरी थोड़ी ना, अब जैसे मान लो बल्ब है, बल्ब का आविष्कार कर दिया ना एडिसन ने, तो मार्केट जाओ खरीद लाओ। अब तुम सोच रहे हो भाई हम पहले खुद करके देखेंगे फिर बल्ब लेंगे हम बनाएंगे, भाई कब तक करोगे ना। तो जो चीज़ है उससे सीख लो ना, अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उससे सीख लो। अब जरूरी थोड़ी ना तुम वो सब करके देखो, सो ऐसे, ठीक है? तो ज़्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है। और नहीं विश्वास हो रहा ना तो वीडियो देखी थी ना, कितने साल बंदा काट के आया इसकी, और बताता हूँ तुम्हें। जब ये बंदा बाहर आया था ना, तो इसने ना सोचा था मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ। तो इस बंदे ने सोचा था मैं दूसरी शादी करूँगा, तो जिससे इसने दूसरी शादी करी ना, वो भी इसका गहना वहना लूट के भाग गई। अब बताओ डार्क साइड चल रही है ना चीज़ों की। तो कहने का मतलब ये है कि तुम संभल के रहो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो तुमने ये चेहरा ढका हुआ है ना, ये नकाब कि हम भोले हैं ये हैं, तो भाई कोई भोला भोला नहीं है, सब ऐसे ही चल जाता है, ऐसे ही एक मिनट में उठा लिए जाते हैं, ठीक है? और पुलिस का मैंने तुम्हें बता दिया, स्टेट लिस्ट में काम करती है और फिर वो अपनी मनमर्जी करती है, और करती भी है यार, अगर तुम्हें पता होगा तो करती है, नहीं अगर तुम्हें सब कुछ पता है कि हाँ भाई तुम पावरफुल इंसान हो तब नहीं करेगी, अगर तुम ऐसे ही हो ऐरे गहरे हो तो फिर तो तुम्हें उठा लेगी, होता ही है, कभी देख लेना, उठाती है, ये करती है, वो करती है, डराती है, तो होता है यार इंडियन सोसाइटी में होता है। तुमने देखा नहीं है कि भाई जो कोर्ट में जज साहब इनको वो करते हैं, वो लगाते हैं ना इनकी कि भाई ऐसा कैसा कर दिया तुमने, फिर उनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन दिक्कत तो ये बंदा फंस जाता है ना उस टाइम, तो वो तो जवाब दे देंगे वहाँ पे, लेकिन तुम्हारी तो लाइफ एंडेंजर में हो गई ना, तुमने वो प्रोसीजर फेस कर लिया, जेल चले गए बिना बात के, और ट्रायल चल रहा है, फिर गिल्टी हो ना हो, फिर बेल का खर्चा, मतलब बहुत चीज़ें हो जाती है, अनडिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए बनाई थी वो वीडियो। लेकिन भाई तुम समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या लड़कियों के उसमें घुसे रहते हो।